सो वेलकम एवरी वन टू अनदर लेक्चर लास्ट लेक्चर में हमने अलाउंसेज का डिस्कशन स्टार्ट किया था इस लेक्चर के अंदर हम सारे अलाउंस पढ़ेंगे हमने देखा था कि हमारे जो अलाउंसेज हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं फुल्ली टैक्सीबल पार्टली टैक्सीबल और फुल्ली एग्जेप्ट एक्ज का मतलब होता है टैक्स फ्री ठीक है तो थ्रू आउट इनकम टैक्स आपको कभी भी कहीं भी वर्ड एग्जैम्ट दिखे तो उसका मतलब होता है टैक्स फ्री यानी कि एग्जैम्ट चीज़ों पर टैक्स नहीं लगता ठीक है पार्टली टैक्सेबल मतलब कोई एक अलाउंस है जिसका कुछ अमाउंट टैक्स फ्री होगा एग्जेंट होगा और कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा ठीक है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस की बात करें तो सबसे पहला अलाउंस होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं एक बार शॉर्ट में वापस देख लेते हैं हम पढ़ रहे हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस अब मैंने आपको एक और चीज़ कही थी कि फुल्ली टैक्सीबल की लिस्ट इतनी बड़ी है कि हम पूरी लिस्ट नहीं पढ़ सकते क्योंकि कोई डिफाइंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है फुल्ली टैक्सीबल की लिस्ट में आपका एम्प्लॉयर आपको जो अलाउंस दे दे वो फुल्ली टैक्सीबल होता है सिर्फ पार्टली टैक्सीबल की इस लिस्ट को छोड़ के बाकी सब फुल्ली टैक्सीबल है ठीक है तो हम ये कुछ अलाउंसेस पढ़ेंगे बाकी आप जितने भी अलाउंसेस पढ़ोगे वो सारे भी आपके फुल्ली टैक्सीबल ही होंगे ठीक है तो फुल्ली टैक्सीबल अलाउंसेस की लिस्ट में सबसे पहला जो अलायंस हम पढ़ रहे हैं वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस थोड़ा स्पेशल है क्यों है वो भी हम देखते हैं सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस के अंदर एक वर्ड आ रहा है एंटरटेनमेंट तो इस एंटरटेनमेंट के ऊपर हमने एक पहले के एक लेक्चर में चर्चा ऑलरेडी की हुई है एंटरटेनमेंट का यहाँ पर मतलब एम्प्लॉई का एंटरटेनमेंट नहीं है यानी कि ऐसा नहीं कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने किसी एम्प्लॉयी को मूवी का टिकट दे दिया कि जाकर मूवी देख आ जाओ तो वो एंटरटेनमेंट अलाउंस बन जाएगा ये इसका मतलब नहीं होता एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब होता है कि क्लाइंट की हॉस्पिटैलिटी के लिए दिया गया पैसा समझ रहे आप एंटरटेनमेंट का यहाँ पर मतलब है हॉस्पिटैलिटी ऑफ क्लाइंट समझना आप कि क्लाइंट है उसकी हॉस्पिटैलिटी यानी कि अगर क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो उसको अगर किसी रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं मीटिंग के लिए किसी कैफ़े लेके जा रहे हैं तो वो खर्चा क्लाइंट के कन्वींस पे खर्चा कर रहे हैं ये सब जो क्लाइंट के ऊपर खर्च होता है मीटिंग के लिए वो पैसा होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस के तहत समझ ला तो ये आपको मिलता है अपने क्लाइंट की देख करने के लिए तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई भी इस प्रकार के पैसा दे रहा है तो वो एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा क्लियर है अच्छा अब इसके अंदर एक पार्ट आपका टैक्स फ्री होता है बट इसमें एग्जेंप्शन नहीं मिलता वो अब टैक्स फ्री वाले हिस्से की चर्चा हम आखिरी में करेंगे ठीक है अभी मैं से मतलब समझा रहा हूँ कोई भी अगर आपको ऐसा अमाउंट मिलता है जो आपके क्लाइंट की हॉस्पिटैलिटी के लिए आपको मिला है तो वो एंटरटेनमेंट अलाउंस होगा फुल्ली टैक्सेबल है इसके ऊपर आपको एक डिडक्शन भी मिलता है अंडर सेक्शन सिक्सटीन प्लॉस टू इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे बट अभी इसके हमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है अभी मीनिंग समझना ज़रूरी था जो हमने समझ लिया है उसके बाद दूसरा अलाउंस है डी एन एस अलाउंस जिसके ऊपर तो हम विस्तार में चर्चा कर चुके हैं तीसरा है ओवर टाइम अलाउंस ओवर टाइम अलाउंस का नाम तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि अलाउंस का क्या मतलब होता है ओवर टाइम का मतलब होता है जो आपके डिफाइंड वर्क आवर्स हैं उससे ज़्यादा अगर आपने काम किया तो वो ओवर टाइम की श्रेणी में आता है ठीक है जैसे अब देखो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ओवर टाइम मिलेगा आप अगर किसी बिग फोर में जाओगे बिग फोर में जाओगे आर्टिकलशिप के लिए जॉब के लिए या फिर किसी बड़े दूसरे कॉरपोरेट में जाओगे अगर आप किसी भी कॉरपोरेट में जाओगे तो आपके जो वर्कर्स होते हैं वो होते हैं टेन टू सिक्स बट जो एक्चुअल में आपसे काम करवाया जाता है ना वो होता है सिक्स टू टेन तो किसी भी बड़े कॉरपोरेट में जाओगे तो वहाँ पे जो आपके वर्कर्स होते हैं ना वो होता है टेन टू सिक्स बट जो एक्चुअल में काम कराया जाता है वो होता है सिक्स टू टेन समझ लो तो ये जनरली आपको ओवर टाइम करना ही पड़ता है कॉरपोरेट्स में तो ये जो आपके एक्स्ट्रा वर्क का जो पैसा मिलता है आपको मान लेते हैं कि आपका जो ऑफिस से छूटने का टाइम है वो है सिक्स पी -म. आपको एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कुछ मटेरियल प्रिपेयर करना था कोई पी प्रिपेयर करनी थी जिसके लिए आप रुक गए नाइन पी तक ठीक है दो दिनों में तो आपने टोटल छः घंटे का ओवर टाइम किया तो छः घंटे का जो आपको ओवर टाइम है उसका आपको नॉर्मल सैलरी से ज़्यादा पेमेंट मिलेगा ठीक है तो हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपके जो ओवर टाइम का पेमेंट है वो डिसाइड करके रखा हो जनरली क्या होता है जो आपके रेगुलर वर्कर रहते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पे मिलता है जैसे अगर किसी व्यक्ति का एक दिन का जो पेमेंट है वो बनता है आठ सौ रुपये और वो आठ घंटे काम करता है तो हर आर काम करने के उसको मिल रहे हैं हंड्रेड रुपी तो अगर वो सिक्स आवर्स एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको मान लेते हैं हंड्रेड एंड टेन रुपी के हिसाब से पेमेंट मिलेगा यानी दो दिन में उसने सिक्स हंड्रेड सिक्सटी रुपी एक्स्ट्रा कमा लिए समझ समझना तो ये जो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है ना वो ओवर टाइम होता है क्लियर है तो पर डे के हिसाब से आपका जो पेमेंट होता है वो बनता है अभी एक्स्ट्रा डेज भी हो सकते हैं आपका ओवर टाइम भी हो सकता है एक्स्ट्रा डे का मतलब आपने छुट्टी के दिन भी काम किया तो उसका आपको एडिशनल पेमेंट मिलता है कोई एम्प्लॉई अगर संडे को आ जाएगा काम करने तो एक दिन का उसको एडिशनल पेमेंट मिलेगा तो ये सब जो बेनिफिट होते हैं ये फुल्ली टैक्सेबल होते हैं चाहे आपने ओवर टाइम काम किया हो आपको जितना भी उसका पेमेंट मिलेगा वो पूरी तरह टैक्सेबल होगा आप एक्स्ट्रा दिन आके आपने काम करा उसका जो पेमेंट मिलेगा वो भी पूरी तरह टैक्सेबल होगा ठीक है उसके अलावा है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस देखिए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस का क्या मतलब होता है जनरली अगर आप देखोगे जो बड़ी सिटीज़ होती हैं फॉर एग्जांपल मेट्रो सिटीज़ होती हैं या फिर आप किसी भी टीयर वन की सिटी को देख लो टीयर वन टीयर टू की जो सिटीज़ हैं मुंबई पुणे दिल्ली बेंगलुरु चेन्नई कोलकाता ये जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं इनमें अगर आप जाकर रहोगे ना तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा होती है जैसे एक व्यक्ति इंदौर में रह रहा है और दूसरा व्यक्ति मुंबई में रह रहा है इंदौर में रहने वाला व्यक्ति अगर पच्चीस हज़ार रुपये महीना कमा रहा है तो ये बहुत अच्छी सैलरी मानी जाएगी उसके लिए पच्चीस हज़ार रुपये महीने के अंदर एक व्यक्ति इंदौर में रह सकता है ठीक ठाक बट अगर वही व्यक्ति मुंबई में रह रहा है तो मुंबई के अंदर पच्चीस हज़ार रुपये महीना कमाने वाले व्यक्ति का पैसा कहाँ चला जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा इंदौर के अंदर अगर वो दस से पंद्रह हज़ार रुपये महीने का रेंट का मकान ढूंढेगा ना उसको आराम से टू बी के अच्छा सा मिल जाएगा मुंबई के अंदर अगर आप एक कमरे का मकान भी ढूंढोगे वो उसका ही रेट आपको इंदौर के अंदर वन बी से ज़्यादा महंगा पड़ेगा वो तो ये जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग होता है ये सिटी टू तो सिटी भी डिफ़र करता है तो ये जितने भी डेवलप्ड सिटीज़ हैं ना ये महंगे बहुत हैं यहाँ पर अगर आप चाहे खाने का प्राइस देखो रहने का प्राइस देखो कन्वींस का प्राइस देखो हर चीज़ बहुत महंगी है तो जो कंपनीज़ हैं ना वो क्या करती हैं जो आपको सैलरी दे रही है, सैलरी के साथ साथ आपको सिटी कंपेंसेट्री अलाउंस भी देगी समझ तो अब ये कब मिलेगा मान लेते हैं एक व्यक्ति जो है वो इंदौर में पोस्टेड था कंपनी ने क्या कर दिया उसका ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफर कहाँ कर दिया बेंगलुरु बेंगलुरु में उसको भेज दिया अब इंदौर में जो उसको सैलरी मिल रही थी वो इंदौर के हिसाब से सा तो अच्छी थी बट उतनी सैलरी में उसका बेंगलुरु में खर्चा नहीं चल पाएगा तो जो उसको इंक्रीमेंट मिला वो तो अलग है साथ में उसको जो कंपनी वो क्या दे देगी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दे देगी दे ताकि इंदौर और बेंगलुरु के जो खर्चे हैं उनको एम्प्लॉय आराम से मीट कर पाए तो ये जो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है वो तब मिलता है जब कोई व्यक्ति किसी बड़े शहर में ट्रांसफ़र होता है समझ लो तो ये जो खर्चा होता है उनको उठाने के लिए पैसा दिया जाता है ठीक है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस हम जानते हैं अब उसके अलावा है आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस अगर एम्प्लॉई या उसके कोई फैमिली मेम्बर बीमार है या कोई चोट लग गए उनको तो उनके इलाज के लिए अगर एम्प्लॉयर कोई पैसा देता है तो मेडिकल अलाउंस होता है ये भी पूरी तरह टैक्सेबल है तो उसके अलावा बहुत सारे होते हैं इंटरेम अलाउंस सर्वेंट अलाउंस प्रोजेक्ट अलाउंस नाम से क्लियर है प्रोजेक्ट अलाउंस क्या होगा एम्प्लॉई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है अब उस प्रोजेक्ट के बहुत सा खर्चा है रिसर्च में खर्चा आएगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं मान लें कि हेल्पर है तो उनको पैसा देना पड़ेगा तो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो भी खर्चा आएगा चाहे वो टेस्टिंग हो या कोई भी दूसरा खर्चा हो उसके लिए पैसा कोई दे रहे ना तो वो फुल्ली टैक्सेबल है उसके अलावा टिफिन लंच डिनर खाने का कोई पैसा दे रहे हैं एम्प्लॉयर फुल्ली टैक्सेबल है सर्वेंट अलाउंस ये जितने भी अलाउंस दूसरे होते हैं ना आपको सभी फुल्ली टैक्सेबल है जो मैं आपको पार्टली टैक्सेबल की लिस्ट पढ़ाऊँगा उनके अलावा कोई भी अलाउंस मिले आई रिपीट जो मैं आपको पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस पढ़ाऊँगा उसके अलावा कोई भी अलाउंस देखने को मिले तो पूरी तरह टैक्सेबल है एंट्रेम अलाउंस सर्वेंट अलाउंस प्रोजेक्ट अलाउंस सिटी कंपनसेटरी ओवर टाइम डियरनेस एंटरटेनमेंट सारे अलाउंस जो है ना फुल्ली टैक्सेबल होते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस के ऊपर आखिरी में एक और डिस्कशन आएगा बट अभी आप यही मान के चलो फुल्ली टैक्सेबल है ठीक है तो ये जो मैं आपको पार्टली टैक्सेबल के अंदर दो चीज़ें पढ़ाऊँगा इसके अलावा हर अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है सिर्विन पांच अलाउंसेस को छोड़कर ठीक है तो ये दो पार्टली और ये पूरी पूरी तरह से टैक्स फ्री इनके अलावा जो भी अलाउंस देखने को मिले पूरी तरह टैक्सेबल होता है वो क्लियर है जो जो इंपॉर्टेंट अलाउंस थे उनके ऊपर हमने डिस्कशन भी कर लिया है इसके अलावा आपको फुल्ली टैक्सीबल अलाउंसेस के ऊपर इससे ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है ठीक है इतने नॉलेज के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अभी भी और इवन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप काम करोगे तो भी आप इतने नॉलेज के साथ काम कर सकते तो हो ठीक है तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस हो गए अब है पार्शियली टैक्सेबल यानी कि ऐसा अलाउंस जिनका कुछ हिस्सा टैक्सेबल है और कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट है ठीक है तो एग्जेम्प्ट का क्या मतलब होता है एग्जेम्प्ट का मतलब होता है टैक्स फ्री एग्जाम का क्या मतलब होता है टैक्स फ्री तो अगर कोई भी अलाउंस एग्जाम है यानी कि वो टैक्स फ्री है ठीक है चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं सबसे पहला है हाउस रेंट अलाउंस सबसे पहला है हाउस रेंट अलाउंस ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको बहुत बहुत ध्यान से समझना जब आगे प्रैक्टिकल काम करोगे तब भी हाउस एंड अलाउंस बहुत यूज़ में आने वाला है तो इसको बहुत ध्यान से समझना हाउस एंड अलाउंस का मतलब होता है अगर कोई एम्प्लॉय रेंटेड प्रॉपर्टी में रहता है अगर एक एम्प्लॉय रेंटेड प्रॉपर्टी में रहता है जैसा अगर ये व्यक्ति है एक ग्रेन मर्चेंट के ग्रेन मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर यानी कि वो ट्रेड भी करती है कंपनी और मैन्युफैक्चर भी करती है दोनों के अंदर काम है उनका तो अब ये जो व्यक्ति है ना इसके जो बेसिक सैलरी है जिस व्यक्ति की बेसिक सैलरी है वो है फॉर एग्जांपल पचास हज़ार रुपये महीना ठीक है तो इसकी जो बेसिक सैलरी है वो पचास हज़ार महीना उसके अलावा कंपनी इसको डीएनएस अलाउंस देती है दस हज़ार रुपये महीना ठीक है दस हज़ार रुपये महीने का डीएनएस अलाउंस ये सेल्स के फील्ड में भी है तो इसको कमीशन भी मिलता है कंपनी से इसको कमीशन भी मिलता है एक तो इसको कमीशन मिलता है जो फिक्स डेस्क का फिक्स कमीशन है पाँच हज़ार रुपये का तो पांच हजार रुपए का इनका फिक्स कमीशन है और दूसरा है वन परसेंट ऑफ टर्नओवर यानी कि जितनी भी सेल ला के देंगे उसका एक प्रतिशत इनका टर्नओवर फिक्स है उसका जित, उस अमाउंट का एक परसेंट का कमीशन इनका फिक्स है तो ये टोटल इनको पैसा मिलता है उसके अलावा इनका जो घर का रेंट है इन्होंने घर का रेंट पे करते हैं ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ पच्चीस हजार रुपये महीने का रेंट पे करते हैं जिसके लिए जो कंपनी है इनको एच भी देती है हाउस रेंट अलाउंस कि ये आपकी सैलरी तो ठीक है इसके अलावा जो आपको घर का रेंट भरना होता है उसके लिए बीस हज़ार रुपये आप महीने हमारे से एक्स्ट्रा ले जाओ तो ये इनकी टोटल सैलरी होती है ठीक है तो बेसिक पचास हज़ार रुपये का हो गया डी एन एस अलाउंस दस हज़ार रुपये का कमीशन दो तरह का फिक्स्ड पाँच हज़ार और बाकी एक परसेंट टर्न का मान लेते हैं कि इनका जितना भी टर्न बैठा उसका एक प्रतिशत बैठा इनका बीस हजार रुपये ठीक है तो बीस हजार रुपये का इनका कमीशन बैठा बीस हजार रुपये का इनका एच आर एम मिला यानि कि इनके टोटल सैलरी कितने हो गई यहाँ तक बीस और बीस चालीस चालीस और साठ एक लाख पाँच हजार इनको बोनस मिला बोनस मिला इनको पंद्रह हज़ार रुपये का तो ये टोटल जो इनकी सैलरी हो गई वो हो गई एक लाख बीस हज़ार रुपये ठीक है तो ये जो इनको टोटल सैलरी एक लाख बीस हज़ार रुपये की मिली है इसमें से पचास हज़ार रुपये बेसिक हैं दस हज़ार रुपये डी एन एस एलान पाँच हज़ार का फिक्स कमीशन है और इन्होंने बीस लाख रुपये की सेल ला के दी जिसका एक परसेंट बीस हज़ार रुपये इनको टर्न ओवर का कमीशन मिला इनके घर का रेंट भरने के लिए कंपनी ने इनको एक्स्ट्रा बीस हज़ार रुपये दिए कि आपके घर का रेंट कितना भी हो हम आपको हर महीने बीस हज़ार देंगे ताकि रेंट भरने में आपकी हेल्प हो जाए तो बीस हज़ार रुपये इनको रेंट के लिए मिल गए एच बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस अब हमें निकालना है जो एच आर ए है एच कितना टैक्सेबल होगा मैंने आपको कहा था एच आर टैक्सेबल हंड्रेड परसेंट नहीं होता तो एक कितना टैक्सेबल है वो हमको निकालना है तो अब एच के बारे में और पढ़ लेते हैं पहले हाउस रेंट अलाउंस इज अ कंपोनेंट ऑफ द सैलरी पैकेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू हेल्प देम मीट देयर रेंटल एक्सपेंसेस फॉर अकोमोडेशन अकोमोडेशन का मतलब होता है घर तो उनका जो घर का किराया है उसमें सहायता करने के लिए एक एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है हाउस रेंट अलाउंस ठीक है जाहिर सी बात है जो एच आर ए है जनरली उन्हें एम्प्लॉयज को मिलता है जो किराए के घर में रहते हैं बट अगर कंपनी की जो सैलरी की स्कीम है जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें एच जुड़ा हुआ है तो वो सभी एम्प्लॉयज़ को दे देती है एच आर एज़ पर्टिकुलरली रेलिवेंट वेन एन एम्प्लॉय लिव्स इन अ रेंटेड हाउस और अपार्टमेंट एंड इनकर्स एक्सपेंसिस फॉर इट जनरली एच आर का जो मेन यूज़ होता है वो उन्हीं लोगों को होता है जो घर रेंटेड हाउस के अंदर रहते हैं और वही लोग एच आर का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं यानी कि जो व्यक्ति किराए के घर में नहीं रहता वो एच का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता एच का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ वही लोग क्लेम कर सकते हैं जो रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं अभी इस साल जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं उसके अंदर गवर्नमेंट का खास इस बात को लेकर ध्यान रहा है कि जिन लोगों ने फर्जी एच क्लेम किया उन लोगों को बहुत नोटिस आए इस बार तो एच आर ए का आपका जो एग्जाम्शन है एच आर ए का जो टैक्स फ्री कंपोनेंट है जिस समय उन पर एच आर ए में टैक्स नहीं लगता टैक्स फ्री वाला पार्ट तभी क्लेम करना चाहिए जब आप एक्चुअल रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हो और जितना रेंट एक्चुअल में पे कर रहे हो उसी के हिसाब से एच का डिडक्शन क्लेम करना चाहिए द एच आर अमाउंट इज जनरली कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी जनरली क्या होता है ना जितनी बेसिक सैलरी होती है उसका कुछ परसेंटेज एच आर आम्प्लॉयर दे देता है जैसे जो जनरल प्रैक्टिस इंदौर के अंदर है वो है थर्टी टू फोर्टी परसेंट बेसिक सैलरी का एच के फॉर्म में देने की ठीक है ये अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग कंपनीज में वेरी हो सकता है इवन आप किसी भी शहर में जाओगे तो हो सकता है कई कंपनियों का परसेंटेज अलग अलग हो बट जनरली तीस से चालीस परसेंट का एच आर ए मिलता है द प्राइमरी पर्पज ऑफ एच आर ए इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एम्प्लॉय टू मीट देयर रेंटल एक्सपेंस इससे क्या होता है एम्प्लॉय को जो अकोमोडेशन का जो बर्डन होता है वो उसको कम, आ, कम करने में हेल्प मिलती है ठीक है एम्प्लॉयी नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ रेंट पेड सच एज रेंट एग्रीमेंट रेंट रिसिप्ट यह सब एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ता है तभी एम्प्लॉयर अपने जो टी डी एस की कैलकुलेशन है जो मैंने आपको बताई थी उसमें एच आर ए का अमाउंट कम करके टैक्स कैलकुलेट करता है ठीक है अब पता है इवन ये भी होने लग गया है कि ये एक घर है इसका जो ओनर है वो है मिस्टर रमेश ठीक है ये जो ओनर है प्रॉपर्टी के ये मिस्टर रमेश है और एक एम्प्लॉय है मिस्टर कुमार इन्होंने क्या किया ना ये घर रेंट पे दे दिया ठीक है रेंट कितना बीस हजार रुपये महीना ये मिस्टर कुमार को मिस्टर रमेश ने बीस हज़ार रुपये में ये घर किराए पर दे दिया अब पता है मिस्टर कुमार जब कंपनी के अंदर ये बताएंगे अब इस कंपनी से के अंदर एम्प्लॉय है मिस्टर कुमार जो हैं वो इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है इनसे इनको बीस हजार रुपये का एच मिल रहा है मिस्टर कुमार को बीस हजार रुपये का एक कंपनी से एच मिल रहा है तब थोड़ी देर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि एच के अंदर डिडक्शन कैसे क्लेम करते हैं तो ये घर इन्होंने इनको बीस हजार रुपये महीने पे किराए पे दे रखा है और इनको एच कितना मिलता है जो हमने ऊपर देखा था इनको एच आर मिलता है एग्जैक्ट बीस हज़ार रुपये तो बीस हजार रुपये कंपनी ने इनको रेंट भरने के लिए दिए और बीस हजार रुपये इन्होंने रेंट भरा तो ये जो बीस हज़ार रुपये इनको एच आर मिला है मिस्टर कुमार को क्या इस बीस हज़ार रुपये पर इनको टैक्स देना पड़ेगा यही हमको निकालना सीखना है एक चैप्टर में ठीक है जो एच वाला पोर्शन है उसमें हम यही निकालना सीख रहे हैं कि बीस हज़ार रुपये जो इनको हाउस रेंट अलाउंस के रूप में मिला है अगर ये बीस हज़ार रुपये का ही रेंट भी पे कर रहे हैं तो क्या इनको बीस हज़ार रुपये के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा तो इनको जो टैक्स है वो किस अमाउंट पे लगेगा एक लाख बीस हज़ार महीने का अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं कि एक लाख या फिर या फिर कोई तीसरा अमाउंट क्या लगता है आपको ये जो एक लाख बीस हज़ार रुपये हमने कैलकुलेट किए थे टोटल पूरी सैलरी पे इनको टैक्स लगेगा एक लाख रुपये पर लगेगा बीस हजार हटा के या फिर कोई तीसरे अमाउंट जो हम कैलकुलेट करेंगे उस पर टैक्स लगेगा यही हमको निकालना सीखना है ठीक है तो सिंस एच आर ए इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन टेन अगर आप अपनी मॉड्यूल में चेक करोगे तो जो चैप्टर नंबर थ्री है उसमें सेक्शन टेन की बात हो रही है यानी कि सेक्शन थ्री जो आपका पूरा चैप्टर थ्री है वो इसी बारे में है कि आपकी कौन कौन से इनकम्स के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता ठीक है तो उसको हम बाद में लेंगे उस चैप्टर को क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत से डिस्कशंस हैं जो अभी हमारे हुए ही नहीं है तो एक बार हम अपने हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट कर लें देन उसके बाद हम चैप्टर नंबर थ्री को उठाएंगे ताकि तब तक, तक आपके पास इतना नॉलेज रहेगा कि आप उस चैप्टर को आराम से समझ पाओ ठीक तो चैप्टर नंबर थ्री के अंदर जो तो सेक्शन टेन की बात की है सेक्शन टेन एक ऐसा सेक्शन है हमारे एक्ट का जिसमें सारी टैक्स फ्री इनकम लिखी हुई है समझ लो आप जितनी भी हमारी टैक्स फ्री इनकम है हर वो इनकम जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता वो सेक्शन नंबर टेन में बात की गई है उसकी एच भी सेक्शन नंबर टेन में आता है तो जो सेक्शन नंबर टेन है जो सेक्शन नंबर टेन है ये बात करता है टैक्स फ्री इनकम की किसकी बात करता है ये टैक्स फ्री इनकम की तो जहां सेक्शन टेन आ गया समझ लेना कि कोई अच्छी चीज़ है कि यह इसके ऊपर हमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा तो सेक्शन टेन के अंदर जो जो लिखा है उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता पता एच आर कहाँ आता है एच आता है अंडर सेक्शन टेन सब सेक्शन थर्टीन ए ठीक है तो सेक्शन नंबर टेन के अंदर ही एच भी आ रहा है बट एच के साथ दुविधा यह है एच पार्टली टैक्सेबल है तो यह है पार्टली टैक्सेबल और यह है पार्टली एग्जैम्ट एग्जाम यानी टैक्स फ्री यानी कि जाहिर सी बात है ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा एच आर पार्टली टैक्स फ्री है तो पूरे एच पे के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा तो एक लाख बीस हजार रुपये टैक्स नहीं लगेगा या तो एच पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा या फिर उसका कुछ हिस्सा टैक्स फ्री होगा तो एच का कुछ हिस्सा टैक्स फ्री होता है कुछ हिस्सा एग्जेंट होता है तो जो कंपनी आपको बीस हज़ार रुपये पे कर रही है ना एच का इस पूरे बीस हज़ार के ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं देना भले ही आपको पेमेंट मिल रहा है कंपनी से बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉयर से बट इस सैलरी के ऊपर आपको पूरे अमाउंट पर इनकम टैक्स नहीं देना होता ये जो बीस है इसके कुछ हिस्से पर इनकम टैक्स लगेगा और कुछ हिस्सा टैक्स फ्री होगा ठीक है अब कितना हिस्सा टैक्स फ्री होगा यही निकालना हमको सीखना है ठीक है टू कंप्यूट द एग्जेम पार्ट ऑफ द हाउस रेंट अलाउंस वी नीड टू गो थ्रू द कंडीशंस लेट डाउन इन सेक्शन टेन सब सेक्शन थर्टीन ए अच्छा इसको आप क्लॉज भी कह सकते हो देर आर सम कंडीशंस टू गेट द एग्ज्शन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस तो एच आर ए का कुछ हिस्से के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता बट उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है जैसे कि आपको रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो ही एच आर ए का एक्जें्पन मिलेगा एक एक और आपको जो प्रूफ है वो अपने एम्प्लॉयर को देने पड़ेंगे ठीक है तो अगर कोई व्यक्ति ओन हाउस के अंदर रहता है तो उसके ऊपर एच का जो अमाउंट है वो पूरी तरह टैक्सेबल होगा उसको उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा तो अगर कोई व्यक्ति रेंटेड घर में रहता है तो ही वो एच का एक्जशन क्लेम कर सकता है ठीक है तो एच आर एज़ प्रोवाइडेड एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी सैलरी यानी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस ब्रैकेट का छोड़ दो प्लस कमीशन जो फिक्स परसेंटेज वाला है ना टर्न ओवर का ये वाला लेंगे एचआरए कैलकुलेशन के लिए एच आर ए की कैलकुलेशन के लिए जो फिक्स अमाउंट है वो नहीं लेंगे फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर लेंगे समझ रहे हो तो अगर कोई ऐसा फिक्स परसेंटेज मिल रहा है ना टर्न ओवर का वो एचआरए के लिए कैलकुलेट के लिए काम आता है कोई अमाउंट दे दिया हमेशा तो वो काम नहीं आता कमीशन कौन सा लेना है एचआरए के कैलकुलेशन में फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ओवर ऑफ एचआरए शैल बी कंप्यूटेड फॉर द पीरियड ऑफ अकोमोडेशन फॉर विच एचआरए वाज गिवन आराम से बात करेंगे इस पर तो आई थिंक आपको केस समझ में आ गया ना एक एम्प्लॉय है मिस्टर कुमार जो एक रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी में रहते हैं ठीक है थीके? जिनका जो रेंट है वो है बीस हज़ार रुपये पर मंथ का उसके अलावा इनके जो सैलरी है सैलरी के अंदर इनको बेसिक मिलता है पचास हज़ार रुपये डी मिलता है दस हज़ार रुपये उसके अलावा इनको मिलता है बोनस पंद्रह हज़ार रुपये और कमीशन मिलता है कमीशन भी दो तरह का है एक अमाउंट फिक्स है कि कमीशन पाँच हज़ार रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा उसके अलावा एक परसेंट मिलता है टर्नओवर का जितने भी इन्होंने महीने में सेल ला दी उसका इनको एक फिक्स परसेंटेज मिलता है ठीक है तो ये जो परसेंटेज का है ना फिक्स परसेंट है फिक्स परसेंट इनको एक प्रतिशत है जो इनका जितना भी टर्न ओवर देंगे उसका मिल जाएगा मान लेते बीस हजार महीने की सेल लेकर आई है तो इन सब को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा जो टोटल इनकी सैलरी है वो महीने की इसके अलावा कंपनी इनको घर का रेंट भरने के लिए देती है बीस हज़ार रुपये तो टोटल जो इनके सैलरी होगी ना इनकी टोटल सैलरी कितनी होगी पचास और दस साठ प्लस पंद्रह पिछहत्तर अस्सी सौ और एक सौ बीस यानी कि एक लाख बीस हज़ार रुपये इनकी टोटल सैलरी इस प्रकार से हो गई अब इसके ऊपर इनको, इनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा बट हमने ये सुना था कि एच जो है एच एक ऐसा अलाउंस है जो 100% परसेंट टैक्सीबल नहीं होता यानी कि हमें बीस हजार रुपये के ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना हमें बीस हजार रुपये से कम पे टैक्स देना है यानी कि जो एक लाख बीस हज़ार है ना इसमें से एच जितना टैक्स फ्री होगा वो माइनस हो जाएगा तो उतने तो तो रुपये पर इनकम टैक्स देना ही नहीं है यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है ठीक है तो अब एच का एग्जाम पार्ट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं हम एच आर ए है एचआरए डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ सिटी जिसके अंदर आप रह रहे हो किस पर डिपेंड करता है टाइप ऑफ सिटी पे एक तो आप रह सकते हो मेट्रो सिटीज के अंदर या फिर आप रह सकते हो नॉन मेट्रो सिटीज में ठीक है मेट्रो सिटीज़ आपको पता है बॉम्बे दिल्ली कोलकाता और चेन्नई ये जो आपके चार शहर हैं इनको मेट्रो सिटीज़ बोलते हैं तो एच है आर टैक्स फ्री कितना होगा देखो एग्जाम अलाउंस निकालने का एक तरीका होता है वो तरीका आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है आपको तीन अमाउंट दे दिए जाएंगे उन तीन में से जो सबसे छोटा अमाउंट होगा ना वो टैक्स फ्री हो जाएगा समझे मैं आपको यहाँ पे तीन अमाउंट दूंगा तीन तरीके दूँगा तीनों तरीके से एक एक अमाउंट निकलेगा उन तीनों अमाउंटों में से जो सबसे छोटा होगा ना वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा इस प्रकार से अलाउंस निकलते पूरे चैप्टर में यही चलने वाले तो सबसे पहला जो आपका टैक्स फ्री अमाउंट हो सकता है वो तो एक्चुअल एच आर जितना आपको कंपनी ने एच दिया या तो पूरा एग्जेंट हो जाएगा या दूसरा रेंट पेड माइनस दस परसेंट ऑफ सैलरी जितना भी आपने रेंट पे किया उसमें से अपनी सैलरी का दस परसेंट माइनस कर लो जितना बचेगा ना उतना अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा कैसे निकालना सीखेंगे हम और तीसरा फिफ्टी परसेंट ऑफ सैलरी इन तीनों में से सबसे छोटा अमाउंट जो निकला है ना सरकार बोलेगी इसको टैक्स फ्री कर देते हम दूसरा नॉन मेट्रो सिटी है तो ये कंडीशन सेम रहेगी या तो एक्चुअल एच एक या फिर रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी तीसरा नॉन मेट्रो सिटी में पचास की जगह चालीस परसेंट ऑफ सैलरी आएगा तो इन तीनों अमाउंट को हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और इन तीनों में से जो भी होगा ना सबसे छोटा अमाउंट वो टैक्स फ्री हो जाएगा तो लीस्ट ऑफ वन टू एंड थ्री शेल बी कि एक्जर रुपए बीस से माइनस कर लेंगे बचे हुए पर टैक्स लगेगा तो तीनों करके एक एक करके निकालते हैं फर्स्ट एक्चुअल आचार्य कितना था बीस हजार रुपये दूसरा रेंट पेड रेंट कितना पे किया था बीस हज़ार रुपये माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी अब एक बहुत अच्छा डिस्कशन है सैलरी किसको बोलेंगे सैलरी के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे बेसिक सैलरी इंक्लूड करना है क्या डी एर एस अलाउंस इंक्लूड करना है क्या बोनस इंक्लूड करना है क्या और कमीशन इंक्लूड करना है क्या और कमीशन में किस प्रकार का कमीशन इंक्लूड करना है सैलरी के डेफिनेशन क्या है एच के लिए यह भी इंपॉर्टेंट है पता है जो हर आप एक अलाउंस देखोगे ना हर अलाउंस में सैलरी की डेफिनेशन भी दी होती है कि इस अलाउंस के लिए इन इन चीज़ों को सैलरी माना जाता है जैसे जो एच का केस है एच के अंदर सैलरी पता किस बोलते हैं एच के अंदर सैलरी बोलते हैं बेसिक सैलरी प्लस डी अलाउंस डीएनएस अल्स आपको पता है ना ये भी एक अमाउंट होता है स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ एंप्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट इसका मतलब मैं बाद में आराम से समझाऊंगा आपको अभी इस बात पर ध्यान मत दो इसका मतलब क्या है जब सही टाइम आएगा तो खुद ब खुद मैं आपको जब एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आसानी से समझ में आएगा ठीक है अभी बस देख लो सिर्फ डीए लिखा हो तो उसको जोड़ना मत डीए के साथ ब्रैकेट में यह भी लिखा हो ना तो उसको कंसिडर करना ठीक है तो ये अमाउंट प्लस कमीशन कमीशन कौन सा फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला कमीशन ऐड होगा इसका जो टोटल आएगा ना सर अमाउंट्स का वो वाला हमको उसका दस परसेंट माइनस करना है तब देखो हमारे केस के अंदर बेसिक पचास हज़ार है ये ले लेंगे मान लेते ये एम्प्लॉयमेंट के जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है उसके अंदर ये क्वालिफाई होता है यानी कि जो दस हज़ार रुपये है ना ये आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर पूरा है तो ये पूरा दस हज़ार ले लेंगे अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन हो सकते हैं पता है पते? कि ये जो डी अलाउंस है ना फिफ्टी परसेंट इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट अभी जब मैं आपको रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ाऊंगा तब जाके पॉइंट कवर करवा पाऊंगा मैं अभी तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट ही नहीं पता है तो मैं आपको ये क्या समझाऊंगा अभी तो डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता अब ये भी आपको ब्रैकेट में देखना पड़ेगा कि साथ में इंफॉर्मेशन क्या दी है अगर लिखा है ना फिफ्टी परसेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट तो दस हज़ार रुपये का फिफ्टी परसेंट कर लेना पाँच हज़ार रुपये और उसको सैलरी में जोड़ना ना कि दस हज़ार को बट सिंस हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि पूरा एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में है तो पूरा दस हज़ार को कंसिडर करेंगे कमीशन में हमको दो तरीके दे रखे एक तो अमाउंट दे रखा है और एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न के हिसाब से जो आया है हमको ये वाला लेना है समझ लो तो आपकी एक्चुअल सैलरी एक लाख बीस हजार है बट हम लेंगे कितने यहां पे बेसिक डी ए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम पूरा मान लेते हैं यहां पे अभी प्लस कमीशन कमीशन कौन सा फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्म ओवर बीस हजार ठीक है तो हम यहाँ पे कौन सा अमाउंट ले लें एक तो बेसिकली हमने डी लिया और कमीशन सिक्स परसेंट ऑफ टर्न ओवर ये पंद्रह हज़ार बोनस और पाँच हज़ार का कमीशन है दोनों छोड़ देंगे कैलकुलेशन के लिए ये एम्प्लॉ को मिलेगा बट एच का टैक्स फ्री अमाउंट निकालते समय हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो दस हज़ार तो अस्सी हज़ार तो निकल गया अस्सी हज़ार का दस परसेंट आठ हज़ार तो माइनस आठ हजार बारह हजार ये आ गया हमारा ए ये आ गया हमारा बी और तीसरी चीज का देखे थे फिफ्टी परसेंट ऑफ सैलरी तो हमारी सैलरी यहां पे कितनी है अब देखो एक बार निकाल लेना यही काम हो जाएगी अस्सी हजार इंटू फिफ्टी परसेंट तो यहां पे कितना आ जाएगा चालीस हजार ये हो गया सी पॉइंट अब मुझे बताओ ए बी और सी में से छोटा अमाउंट कौन सा दिख रहा है बीस हजार बारह हजार के चालीस हजार तो ये आपका टैक्स फ्री हो जाएगा समझ रहे हो हर महीने में से बारह हजार रुपए आपका टैक्स फ्री हो जाएगा जब जब सैलरी स्ट्रक्चर यही रहेगा सैलरी स्ट्रक्चर बदला उस महीने का दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है तो टैक्सेबल एच कितना हो जाएगा आठ हजार रुपया आपका टैक्सेबल एच हो जाएगा तो आपको कितना अमाउंट पर इनकम टैक्स लगेगा एक लाख बीस हजार माइनस बारह हजार एक लाख आठ हजार के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना है समझ गए अब इसके बारे में छोटी मोटी बारीकियां हैं एक एक करके हम उनको समझते हैं चलिए तो अब एच के बारे में कुछ डिटेल समझते हैं एक क्विक रिकैप करवा देता तो हूँ मैं आपको अभी तक हमने इस लेक्चर में जो सीखा है उसका देखिए एक छोटा सा रिकैप जिसके अंदर हम एच से रिलेटेड सभी पॉइंट्स का एक रिविजन कर लेते हैं एच एक एक्लावेंस है ठीक है एच आर स्टैंड फॉर

या फिर पर्पस किसी विशेष कारण या किसी डिफाइंड खर्चे के लिए जो पैसा दिया गया है वो यहाँ पे अलाउंस है और यहाँ पर वो जो डिफाइंड एक्सपेंस है वो जो डिफाइंड खर्चा है जो डिफाइंड पर्पस है वो डिफाइंड पर्पस है हमारा हाउस का रेंट ठीक है वो जो हमारा डिफाइंड जो एक्सपेंस है जिसके लिए अलाउंस दिया जा रहा है वो है हमारा रेंट यानी कि एच किन लोगों को मिलता होगा जो लोग किराए के घर में रहते हैं उनको एच मिलता है जनरली अब कुछ कंपनीज़ में ऐसा है कि सैलरी स्ट्रक्चर फिक्स है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए तो सभी को एच देते हैं ठीक है अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको सभी लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा खासकर टैक्स पेयर्स का क्योंकि वो देश की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला एक ऐसा इंडिविजुअल जो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा है किस प्रकार के अकोमोडेशन में रेंटेड अकोमोडेशन में रेंटेड अकोमोडेशन मतलब एक किराए के मकान के अंदर वो रह रहा है और उस मकान का किराया भर रहा है और एक दूसरा व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है जो ओन अकोमोडेशन में रह रहा है ओन प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है ठीक है दो प्रकार के लोग हैं एक ऐसा व्यक्ति जो खुद रह रह के घर में रह रहा है और एक दूसरा व्यक्ति जो किराए के घर में रह रहा है अगर कंपनी दोनों को क्या देती है एच देती है यानी कि जो व्यक्ति किराए के घर में रह रहा रह है उसको भी हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है और जो व्यक्ति खुद के घर में रह रहा रह रह है उसको भी हाउस एंड अलाउंस मिल रहा है अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि जो खुद के घर में रह रहा है उसको हाउस एंड अलाउंस क्यों मिल रहा है देखो बड़ी कंपनियों में क्या होता है ना सैलरी स्ट्रक्चर फिक्स होता है यानी कि एक कंपनी ने एक लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी स्ट्रक्चर फिक्स करके रखा है जितने भी एम्प्लॉयज़ उस लेवल पे एम्प्लॉय होंगे उन सभी को वो सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से सैलरी मिलेगी यानी कि सैलरी स्ट्रक्चर में फिक्स है बेसिक इतना एच इतना कन्वेंस इतना तो हर व्यक्ति को उतना अमाउंट मिलेगा तो कंपनी क्या करती है ना अपना सैलरी स्ट्रक्चर फिक्स कर देती है चाहे आप किराए के घर में रहो या नहीं रहो कन्वेंस के लिए खर्चा हो या नहीं हो स्ट्रक्चर के हिसाब से इतनी सैलरी आपको इस चीज़ की मिलेगी तो अगर कंपनी दोनों का हाउस रेंट अलाउंस दे रही है मान लेते कंपनी एच दे रही है दस हज़ार रुपये का तो मुझे बताओ उस हाउस रेंट अलाउंस की ज़्यादा आवश्यकता किसको है एक ऐसे व्यक्ति को जो रेंटेड घर में रह रहे हैं या ऐसे व्यक्ति को जो खुद के घर में रह रहा है किसको हाउस रेंट अलाउंस की ज़्यादा आवश्यकता है जाहिर सी बात है जो व्यक्ति रे, रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा है उसको एच की ज़्यादा आवश्यकता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हम एच का एक सर्टेन परसेंटेज एक कुछ हिस्सा क्या कर देंगे टैक्स फ्री कर देंगे यानी कि आपको एच अगर दस हज़ार मिला है ना तो दस हज़ार का मान लेते हैं पाँच हज़ार रुपये क्या हो जाएगा टैक्स फ्री हो जाएगा किसके लिए उसके लिए जो किराए के घर में रह रहा है समझ रहे हो तो जो भी व्यक्ति किराए के घर में रह रहा है उसके लिए एच का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा टैक्स फ्री हो जाएगा समझ लो आप तो जो लोग रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं उनको एच का एग्जेंशन मिलता है यानी कि उन लोगों के एच के कुछ हिस्से पर टैक्स नहीं मिल नहीं लगता अब वो कुछ हिस्सा कैसे डिसाइड होगा हमें वो समझना है हमें ये तो समझ में आ गया कि जो लोग किराए के घर में रहते हैं उनके एच के कुछ हिस्से के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता और वो कुछ हिस्सा कितना है वो हमको इसमें सीखना है समझ में है। आ गया तो वो कुछ हिस्सा कितना है वो डिसाइड होता है टाइप ऑफ सिटी पे किस पर डिसाइड होता है टाइप ऑफ सिटी पर यानी कि आप किस प्रकार के शहर में रह रहे हो अच्छा बुरा नहीं बोल रहा मैं मैं कह रहा हूँ मेट्रो और नॉन मेट्रो आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो या नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो ये होते हैं दिल्ली, मुंबई कोलकाता और चेन्नई ठीक है इन चारों के अलावा किसी भी शहर में रह रहे हो तो वो नॉन मेट्रो है सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया आपने कि आप किस शहर में रह रहे हो उसके बाद दूसरी चीज आती है आपका सैलरी स्ट्रक्चर ठीक है इस पर वापस आते हैं तो ये समझ में आ गया कौन से शहर में रह रहा है आपका जो भी क्लाइंट है या अफरा जिसका भी टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो अब एच आर ए का एग्जेंशन कैसे कैलकुलेट होता है ना ये देखो जो एच आर ए का टैक्स फ्री वाला पोर्शन होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन वो सीख रहे हैं पूरा एच आर ए टैक्स फ्री नहीं होता जनरली एच आर ए का कुछ हिस्सा टैक्स फ्री होता है अब वो टैक्स फ्री पोर्शन कैसा होगा वो होगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग यानी कि हम तीन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उन तीन अमाउंट में जो सबसे छोटा अमाउंट होगा वो हमारा टैक्स फ्री हो जाएगा ठीक है हम यहाँ पे तीन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे उन तीन में जो सबसे छोटा अमाउंट होगा वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा तो तीन अमाउंट कौन कौन से हैं देखो सबसे पहला तो हमारा जो अमाउंट है वो है एक्चुअल एच आर ए कौन सा होता है एक्चुअल एच आर ए रिसीव क्लियर है दूसरा दूसरा हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले दूसरा होता है आपका रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी और तीसरा होता है अब यहां पर सिटी के बेसिस पे होगा 50 परसेंट ऑफ सैलरी मेट्रो और 40 परसेंट ऑफ सैलरी नॉन मेट्रो ठीक है तो इन तीनों को कैलकुलेट करना अलग अलग तीनों में से जो अमाउंट सबसे छोटा आएगा ना वो आपका हो जाएगा टैक्स फ्री अब अगर रेंट भर रहे हो तो इन तीनों को कैलकुलेट करने की आवश्यकता है अगर कोई इंसान रेंट भर ही नहीं रहा तो रेंट पेड ज़ीरो हो जाएगा अब ज़ीरो माइनस कुछ भी होगा तो ज़ीरो ही रहेगा नेगेटिव में नहीं जा सकती सैलरी तो जो हमारा रेंट पेड है वो ज़ीरो हो जाएगा तो जो रेंट नहीं भर रहा उसके लिए हमेशा लोएस्ट अमाउंट जीरो ही रहेगा तो उसका हंड्रेड परसेंट टैक्स फ्री की जगह टैक्सेबल बन जाएगा समझो कोई व्यक्ति अगर रेंट ही नहीं रहा तो उसको एक्चुअल एच मिलेगा फिफ्टी परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं सैलरी का लेकिन रेंट पेड ज़ीरो हो जाएगा कोई खुद के मकान में रह रहा है तो अगर मैंने रेंट भरा ही नहीं तो मेरा रेंट पेड ज़ीरो है ज़ीरो में से कुछ भी माइनस कर लो या तो आंसर ज़ीरो आएगा या नेगेटिव आएगा अब मुझे बताओ ज़ीरो इन तीनों में सबसे छोटा होगा हमेशा तो जो खुद के घर में रह रहे हैं उनके लिए टैक्स फ्री वाला हिस्सा जीरो रहेगा और जो रेंट एक्चुअल में भर रहे हैं उनके लिए तीनों में से कैलकुलेट करना पड़ेगा इसलिए बोलते हैं अगर रेंट पे नहीं कर रहे हो तो एचआरए आर ए हंड्रेड परसेंट टैक्सीबल है क्योंकि सरकार आपको कोई बेनिफिट देना ही नहीं चाहती फिर तो रेंट के मामले में रेंट भर ही नहीं रहे हो तो काहे का बेनिफिट ये एच के एग्जम्पन का बेनिफिट उनको है जो रेंट पे कर रहे हैं ताकि उनके जिस परपज़ के लिए एच दिया गया है वो पर्पज़ पूरा हो ठीक है तो एच का एग्जम्शन उन्हीं को मिलेगा जो रेंट भर रहे हैं उसके लिए तीनों का हमको लोएस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है जो लोएस्ट होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा ठीक है अब देखो एक और महत्वपूर्ण चर्चा जो हमको एक्चुअल में करनी है अभी सैलरी का मतलब यहां पर क्या है सैलरी का मतलब यहां पर क्या है वो हमको सीखना है देखो सैलरी कई हिस्सों से बनती है हो सकता है सैलरी के अंदर एक चीज हो बेसिक सैलरी सत्तर हजार उसके अलावा हो सैलरी के अंदर एच आर एच आर ए भी तो सैलरी का हिस्सा है पच्चीस हजार तीसरा डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता अब डीएनएस अलाउंस जब आप देखोगे ना सैलरी में तो आपको ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी हुई दिखेगी फिफ्टी परसेंट is फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं बीस हजार उसके अलावा कमीशन इसके ब्रैकेट में आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ठीक है अच्छा मान लो एक और कमीशन है फिक्स्ड जो टर्नओवर का परसेंटेज इतना कमीशन आपको मिलेगा ही मिलेगा साल में तो ये हो जाएगा आपका पंद्रह हजार और ये हो जाएगा दस हजार उसके अलावा आपको मिलता है कन्वेंस अलाउंस आने जाने के लिए खर्चा पाँच हज़ार रुपये और आखिरी आपको मिल रहा है बोनस पच्चीस हज़ार रुपये तो यहाँ पर टोटल सैलरी कितनी हो गई व्यक्ति की देखो सात और पच्चीस पंचानवे एक लाख पंद्रह हज़ार प्लस पंद्रह एक लाख तीस हज़ार एक लाख चालीस हज़ार एक लाख पचास हज़ार एक लाख पिछहत्तर हज़ार टोटल सैलरी व्यक्ति की हो गई महीने की एक लाख पिचत्तर हज़ार ये टोटल सैलरी है अब बात करते हैं कि ये जो एच के अंदर दस परसेंट लेना है क्या वो पूरी एक सैलरी का एक लाख पिचहत्तर हज़ार का दस परसेंट लेंगे सत्रह हज़ार पाँच सौ नहीं यहाँ पर आपको बुक के अंदर दिया गया है आपकी मॉड्यूल के अंदर जो रूल है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम टैक्स एक्ट का रूल क्या कहता है आप लोगे सैलरी के डेफिनेशन में बेसिक सैलरी सिर्फ ये दस परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हाँ ये दस परसेंट और ये चालीस और पचास परसेंट में जो सैलरी की बात की गई है ना उसके अंदर क्या क्या लेना है मैं वो बता रहा हूँ ये पूरा नहीं लोगे आप पूरा सत्रह पाँच सौ नहीं होगा बेसिक सैलरी इसके अंदर इंक्लूड होगी डी अलाउंस में जितना रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एलिजिबल है उतना यानी कि बीस हज़ार दिया हुआ है फिफ्टी परसेंट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बीस हज़ार का तो आप लोगे दस हज़ार इसका मतलब क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा अभी फिलहाल के लिए इसको याद रख लो इसका मतलब हम समझेंगे बाद में तो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इसका बीस पचास परसेंट ही है तो हम इसका पचास परसेंट ही लेंगे और तीसरा कमीशन वो वाला लेना जिसके अंदर लिखा हो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर ये वाला नहीं लेना ठीक है सिर्फ ये तीन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे हम तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा सत्तर बेसिक प्लस दस डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट वाला और पंद्रह हज़ार कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न वाला ये हो जाएगा सत्तर और पच्चीस पंचानवे हज़ार तो यहाँ पर जो दस परसेंट लेंगे वो नाइन्टी फाइव थाउजेंड का दस परसेंट लेंगे यहाँ जो पचास परसेंट लेंगे नाइन्टी फाइव थाउजेंड का पचास परसेंट लेंगे और यहाँ जो चालीस परसेंट लेंगे वो नाइन्टी फाइव थाउजेंड का चालीस परसेंट लेंगे ठीक है तो ये जो सत्तर दस और पंद्रह ये सिर्फ तीन चीज़ें आएंगी बाकी कन्वेंस नहीं आएगा बोनस नहीं आएगा ठीक है और जो नॉन रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट है वो फिफ्टी परसेंट भी नहीं आएगा और एच खुद तो आएगा ही नहीं ठीक है तो यहाँ जो सैलरी की बात हो रही है ना उसमें सिर्फ तीन चीज़ें बेसिक डरस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट वाला यहाँ पर एक और चीज़ लिखी मिल सकती है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो भी आप ले सकते हो और कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्न ठीक है सिर्फ ये वाली चीजें लेनी है एचआरए के एग्जेम्शन के लिए ठीक है तो ये होता है हमारा हाउस रेंट अलाउंस ठीक है ये हमारा हाउस रेंट अलाउंस होता है चलिए ये सब हमने पढ़ लिया था देखिए सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट कमीशन फिक्स परसेंटेज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न इन तीन चीज़ों को सैलरी के डेफिनेशन के अंदर लेना है ठीक है चलो तो ये हमने समझ लिया उसके बाद हमने ये देखा कि कितना हिस्सा टैक्स फ्री होता है ठीक है इन तीनों में से जो भी सबसे छोटा अमाउंट आएगा वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा एक एग्जांपल एक कर लेते हैं मिस्टर रमेश हैज़ द फॉलोइंग रिसिप्ट फ्रॉम हिस एम्प्लॉयर बेसिक पे तीस हज़ार रुपये महीना डी एन एस अलाउंस तीन हज़ार रुपये महीना कमीशन पच्चीस हज़ार रुपये महीना मोटर कार फॉर पर्सनल यूज हज़ार रुपये यानी कार दे रखी है एम्प्लॉयर ने जिसका खर्चा एम्प्लॉयर उठाता है पेट्रोल वेट्रोल मेंटेनेंस सब और हाउस रेंट अलाउंस बारह हज़ार रुपये मिलता है तो इसमें से टैक्स फ्री वाला हिस्सा कितना होगा हमको कैलकुलेट करना है देखो सबसे पहला तो एक्चुअल एचार है तो बारह इंटू ट्वेल्व यानी कि वन डबल फोर ट्रिपल ज़ीरो या तो इनको ये अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगा साल भर में या फिर सेकेंड नंबर पर होता है रेंट पेड इन्होंने रेंट कितना पे किया फाइंड आउट द एच आर आ एलिजिबल फॉर एग्जेम्शन टू मिस्टर रमेश एज्यूमिंग दैट ही हैज़ पेड अ रेंट ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड दस रुपये महीने का रेंट पे करते हैं तो टेन थाउजेंड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी तो सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी बेसिक पे तो आते ही आते हैं डी अलाउंस वो वाला आता है जिसके ब्रैकेट में लिखा हो या तो प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एक सर्टेन परसेंटेज एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट या ब्रैकेट में कुछ दिख रहा है क्या डी के अलावा डी तो शॉर्ट फॉर्म है कुछ इन्फॉर्मेशन दिए क्या कुछ भी नहीं दिए हम ये मान लेंगे कि हाँ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही है हंड्रेड रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एलिजिबल है कोई डिटेल दी होती तो वैसे कैलकुलेट करता नहीं दिए तो हम अपना अज्यूम कर लेंगे और तीन हज़ार को पूरा कैलकुलेट कैलकुलेशन के अंदर लेंगे ठीक है कमीशन में उल्टा है देखो तो डी एन एस अलाउंस ना जनरली एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के अंदर आता है और ये आपको एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में ही मिलता है तो डी एन एस अलाउंस में आप ये मान के चलोगे हाँ हमारी सैलरी की डेफिनेशन में आएगा बट कमीशन में जब तक ब्रैकेट में लिखा नहीं हो तब तक मत लेना इसको कमीशन को अपनी सैलरी में और अगर कभी लोग अपने डेफिनेशन के अंदर तो नीचे एक नोट डाल देना कि सिंस इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी सिंस देर वॉज नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग नेचर ऑफ कमीशन वी हैव अज्यूम्ड इट इज़ पेड एज अ परसेंटेज ऑफ टर्न यानी कि कोई कमीशन का, का जो डिटेल है उसके अंदर आपको ये नहीं बताया गया था कि कमीशन किस फॉर्म का है आपका फिक्स है कि परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है तो हमने मान लिया है कि कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्न है और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आप ये भी मान सकते हो कि ये हमारे टर्न का परसेंटेज नहीं है यानी कि सिंस हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी हमने मान लिया है कि फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न के रूप में दिया गया है बट हाँ आप चाहो तो इसको नहीं भी लोगे तो चलेगा फिर भी नोट डाल देना सिंस नो इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन वी हैव एज्यूम्ड इट इज़ नॉट पेड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न जो भी आप दोनों में से लो नीचे आंसर में एक नोट डाल देना ठीक है अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फिक्स परसेंट ऑफ टर्न ओवर पर नहीं दिया जाता इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो हम सिर्फ थर्टी थ्री थाउजेंड लेंगे मोटर कार्ड की तो बात ही नहीं हुई अभी तक जाहिर सी बात है सैलरी के डेफिनेशन के अंदर ही नहीं आता एच आर आई खुद तो आएगा ही नहीं तो हमारे सैलरी के डेफिनेशन में बचे तैंतीस हज़ार रुपये महीना ठीक है थर्टी थ्री थाउजेंड का दस परसेंट यानी कि तैंतीस सौ तो ये हो जाएगा टेन थाउजेंड माइनस थर्टी थ्री हंड्रेड यानी कि सिक्सटी सेवन हंड्रेड इंटू ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है अब अभी तक हमको ये दिख रहा है कि ये अमाउंट वन डबल फोर ट्रिपल जीरो से छोटा है अब थर्ड अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं ये रहते कहाँ पर है ये रह रहे हैं जयपुर में जो कि नॉन मेट्रो सिटी तो इनको कितना परसेंटेज मिलेगा फोर्टी परसेंट तो ट्वेल्व थाउजेंड ओ सॉरी टेन सैलरी का फोर्टी परसेंट थर्टी थ्री थाउजेंड का तेरह हजार दो सौ ट्वेल्व तो ये हो जाएगा वन फाइव एट फोर डबल जीरो अब मुझे बताओ इनमें से सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है जाहिर से बात है सेकंड वाला सबसे छोटा अमाउंट है तो इनकी सैलरी कितनी बनेगी देखो टोटल सैलरी इनकी हो जाएगी थर्टी थ्री प्लस वन थर्टी फोर प्लस ट्वेल्व फोर्टी सिक्स तो फोर्टी सिक्स थाउजेंड इंटू ट्वेल्व कितनी होती है फाइव फाइव टू ट्रिपल ज़ीरो प्लस पच्चीस हज़ार फाइव डबल सेवन ट्रिपल ज़ीरो ये हमारी सैलरी हो जाएगी माइनस एग्जेंट एच एक आर एच आर ए का जितना टैक्स फ्री है इसमें से माइनस हो जाएगा टैक्स लगने के पहले एट्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है ये इतना माइनस कर लेंगे फोर नाइन सिक्स सिक्स डबल जीरो उसके अलावा मैंने आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की थी तो फिफ्टी थाउजेंड का वो भी आपको एग्जम्पन मिलता है ठीक है उसके हम बाद में बात करेंगे तो आपको पता टैक्स कितने पर लगेगा फोर फोर्टी सिक्स सिक्स डबल ज़ीरो आप कमा इतना रहे हो आपका एच का कुछ हिस्सा टैक्स फ्री हो गया हर एम्प्लॉय को पचास हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है तो वो आपका टैक्स वाला अमाउंट में से हट गया आपको टैक्स देना है फोर फोर सिक्स सिक्स डबल ज़ीरो पर तो करीब करीब आपका एक लाख तीस हज़ार रुपये टैक्स फ्री हो गया ठीक है तो इस प्रकार से सैलरी कैलकुलेट होती है समझ में आ गया तो ये आपकी टैक्सेबल सैलरी है इसके ऊपर टैक्स लगेगा और आपको पता है रूल एट्टी सेवन है आपका फोर फोर्टी सिक्स सिक्स हंड्रेड इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा ढाई लाख तो इसमें से एग्जेंट हो जाएगा वन नाइन्टी सिक्स इंटू फाइव परसेंट नाइन एट थ्री जीरो इसमें से आपको एट्टी सेवन ए की रिबेट मिल जाएगी नाइन एट थ्री जीरो की तो आपका इनकम टैक्स आ जाएगा यहाँ पे जीरो रुपये यानी कि आप कमाए इतने रुपए रहे हो बट आपको इनकम टैक्स देना है जीरो रुपए का इस प्रकार से सैलरी यहाँ पे पूरी कैलकुलेट होगी और इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा आपकी सैलरी पाँच लाख से नीचे आ गई मतलब आपको इनकम टैक्स नहीं देना है समझ आ गया तो इस प्रकार से आपको यहां पर आएगा अब देखिए यहां पर एक लाइन दे रखी है डी ए फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कि ये जो तीन हजार रुपये है ना पूरा का पूरा हमारा अमाउंट जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यानी कि ये अमाउंट हमारी सैलरी के डेफिनेशन में इंक्लूड होगा ठीक है अगर नहीं दे रखा होता है ना ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन Uh, तो आप अज्यूम कर सकते हो और तो नीचे एक नोट डालना पड़ेगा कि सिंस नो इन्फॉर्मेशन ऑफ गिवन वी हैव एज्यूम्ड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और अगर नहीं ले रहे हो तो चलेगा तो जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती ना तो आप इस प्रकार से अज्यूम कर सकते हो ठीक uh, हमने लिया था ट्वेल्व थाउजेंड इंटू ट्वेल्व वन डबल फोर ट्रिपल जीरो एट्टी फोर हंड्रेड और वन फाइव एट फोर डबल ज़ीरो अब यहाँ पे नीचे एक नोट दिया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जन अंडर सेक्शन टेन थर्टी में सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी डी एम एस अलाउंस इफ़ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर बट एक्सक्लूड्स ऑल अदर अलाउंसेज एंड हमने उन तीनों को ही लिया है और सिंस कमीशन में कोई इन्फॉर्मेशन साथ में नहीं दी हुई थी तो हमने एज्यूम कर लिया कि फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर वाले बैंक क्राइटेरिया में नहीं बैठता तो हमने इसको नहीं लिया हमारी सैलरी के, के कैलकुलेशन में क्लियर है तो इसी प्रकार से आपको एच के सारे क्वेश्चन करने हैं एक और कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं एच के अंदर हम वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है तो इसका आप एक बार थ्योरी याद करने की कोशिश करो मॉड्यूल से गो थ्रू कीजिए इसको और कोई डाउट होगा तो हम अगले सेशन में ले लेंगे ठीक है थैंक यू सो मच